यूपी के बस्ती से है इस वक्त की बड़ी खबर। महर्षि विशिष्ट मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में 24 वर्ष पुराना नरकंकाल मिलने हॉस्पिटल परिसर में सनसनी फैल गया है। इस रहस्यमयी मौत से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 साल पहले बंद हुई लिफ्ट के खोलने पर लिफ्ट में बिखरा हुआ नरकंकाल बरामद हुआ। हत्या या आत्महत्या के गुत्थी की जांच में पुलिस प्रशासन जुट गई है। बिखरे नरकंकाल को इकट्ठा कर डीएनए प्रोफाइलिंग जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि यह नरकंकाल कितना पुराना है। बस्ती जनपद के वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में एक नरकंकाल बरामद हुआ है। नरकंकाल 24 वर्ष पुराना माना जा रहा है। वर्ष 1991 में बस्ती जनपद 250 बेड का ओपेक कैली हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अभी तक सारी बिल्डिंग कार्यदायी संस्था ने हॉस्पिटल प्रबंधन हैंड ओवर नहीं किया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि 1997 तक लिफ्ट चल रही थी, उसके बाद लिफ्ट खराब होने की वजह से इसको 1997 में ही बंद कर दिया गया। जब 24 वर्ष लिफ्ट की मरम्मत कार्य के लिए खोला गया, उसमें राख के रूप में नरकंकाल बरामद हुआ। 24 साल पुराने नरकंकाल की जांच में पुलिस ने सूचना दर्ज कर किया है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर कई बिंदुओं की पुलिस लेकर जांच कर रही है। स्थानीय थाने के 24 वर्ष पुराने गुमशुदगी की रिपोर्ट के सारे रिकॉर्ड खंगाल रही है। कहीं कोई पूर्व गुमशुदगी दर्ज हुई हो उससे संबंधित तो नहीं है। फिलहाल यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर लिफ्ट में इतने दिनों से व्यक्ति कैसे पड़ा? किसी ने व्यक्ति की हत्या कर लिफ्ट में छिपा दिया या भूलवश उसी में बंद हो गया और दम घुट जाने से मौत हो गया? फिलहाल यह रहस्य बना हुआ है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान क्या है, कैसे मौत हुई है। देखें इस रिपोर्ट में। कल दिनांक 1 सितंबर को शाम को जब कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था, उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम है वो मौके पर गई। मेरे द्वारा भी वहाँ घटनास्थल का या मौके का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि लिफ्ट के बिल्कुल बेस में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा था। और जब इस बारे में जानकारी की गई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि 1997 के आसपास जब यह लिफ्ट लगाई गई थी उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी, उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में यह कंकाल वहाँ मिला है इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जाँच कर रहे हैं। तत्समय किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी याद तो नहीं दर्ज हुई थी, उससे भी हम लोग इसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नरकंकाल को उसको परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और हम इसका डीएनए प्रोफाइलिंग या सारी चीज़ें कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो ताकि इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके।